आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, अर्जुन का वंशज, महाभारत के वीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर और उच्चारण में भारत के महाभारत की है कथा, कहानी, इतिहास आपको स्वयं सुना रहा हूं। अभी तक आपने उन लोगों के मुख से या उन लोगों की लेखनी को पढ़ा है या सुना है जिनका भारत से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, कोई दूर दूर तक नाता नहीं, जिनका भारत के इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, जो पैसा लेकर लिखते हैं, पैसा लेकर के ही गाते हैं, जिन्हें भाण, चारण, भाट, मागध और कई शब्दों से उच्चारित किया जाता है, ये दास गुलाम। अभी तक भारत के इतिहास उनने कहे हैं, सुने हैं, सुनाए हैं। आज आप स्वयं अर्जुन के वंशज और महाभारत सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी के स्वर के
सुन रहे हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, मैं स्वयं अपने ही वंश की वह कथा अपने स्वयं के ही स्वर में, मैं भौतिक साक्षियों के आपको दिखाता चला आ रहा हूं। यह भारत फिल्म का यह भाग, ये अभी सफर में है, जहां महाभारत समाप्त हुआ, जहां इंद्रप्रस्थ समाप्त हुआ, जहां से भारत के इतिहास ने मोड़ लिया, इस विश्व भूधरा से जहां से महाभारत की सल्तनत समाप्त हुई, यह वह जगह, यह वह दुर्लभ जगह है, यह वह घड़ी है। उस घड़ी की ओर हमारी मंजिल है, हम उसको आपको दिखाने जा रहे हैं। वह भगेश्वरी, वह ऐसा घड़ी जो महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने स्वयं निर्मित की, स्वयं बनाई, दिल्ली से आकर के जो नई राजधानी बनी तोमरों की, पांडवों की, वो जगह ही हमारी मंजिल है। जब तक हम सफर में हैं, तब तक आपसे कुछ महाभारत की कथा का वर्णन करते चलते हैं, सुनाते चलते हैं, आप सुनते चलिए, फिर आपको वह स्थान दिखाएंगे। हम आपको पुराना किला, इंद्रप्रस्थ का किला पूरा दिखाएंगे। महाभारत जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, वो दोनों जगह दिखाएंगे, बीच में क्या क्या हुआ वो सब बताएंगे, सारी वंशावलियां भी बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह तोमर घर है, यह वह क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र, तोमरों को भारत कहा जाता है। तोमर ही, तोमर राजवंशी भारत कहा जाता है। ये बात हम आपको आपकी अपनी पिछली फिल्मों में, इसी भारत फिल्म में दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ये जो सफर है, ये जो गुजर रहा है, ये जो गाड़ी चल रही है, ये तोमर घार क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, यहाँ भारत रहता है, यहाँ भारत रहते हैं। ये चंबल के घनघोर बीहड़, जिनसे दुनिया थर्राती है, जिनसे दुनिया खौफ खाती है, भारत यहीं रहता है, भारत यहीं रहता है, भारत यहीं रहते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि भारत को ही बागी कहा जाता है, भारत को ही भारत में बागी कहा जाता है। ये भारत का क्षेत्र है, यह तोमर खार है, ये तोमरों का क्षेत्र है, शुद्ध तोमर खा। ये सफर, ये चंबल के घनघोर बीहड़ों में से हम गुजर रहे हैं, ये देखिए कितना मनोरम है, कितने अच्छे, कितने सद्भावग्रस्त, धर्म न्याय नीति का पालन करने वाले लोग, अनीति को ना पसंद करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, जो अधर्म का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, कदाचरणों का विरोध करते हैं, उन्हीं को बागी कहा जाता है, वही बागी के नाम से विख्यात होते हैं। और भारत में ही भारत को बागी के करके मार दिया जाता है। अब आप समझिए कि भारत में ही भारत के गद्दार, भारत के विरोधी और भारत द्रोही रहते हैं, जो भारत को ही मौत के घाट भारत में ही उतार दे। ये महाभारत सम्राट की सल्तनत, उनका अंश और वंश यहां रहता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में भारत कह करके पुकारा, जिसे समस्त शास्त्रों ग्रंथों में भारत कह के पुकारा जाता है, वे भारत ही बागी कहे जाते हैं। चंबल में बागी कोई और नहीं, इसी भारत को बागी कहा जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है,
ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भारत कह के पुकारा अर्जुन को, अर्जुन के ही वंशज यहां रहते हैं और अर्जुन के ही वंशज बागी कहे पुकारे जाते हैं। वे अगर किसी भी कुनीति का अनीति का विरोध करते हैं तो जो अपमान दुर्योधन की सभा में पांडवों का हुआ था, किसी ने उनकी बात को नहीं सुना था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण तक से कह दिया था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, श्री कृष्ण तक का अपमान किया था। वही भारत आज इस भारत में किस प्रकार अपमानित होता है, क्या होता है, ये सब तो बाद में बताएंगे, पहले भारत की कथा भारत के ही मुख से सुन लीजिए और भारत के ही क्षेत्र से सुन लीजिए और भारत के ही बीच से सुन लीजिए। तो हम भारत में सफर कर रहे हैं, तोमरघार के में सफर कर रहे हैं। ये तोमरघार है, देखते जाइए, ये तोमरघार क्षेत्र है। ये वो चंबल के भीड़ हैं जिन्हें खौफनाक कह के बदनाम किया जाता है, दुर्दांत कह के बदनाम किया जाता है और भारत को ही भारत में बागी कह के बदनाम किया जाता है उन देश के गद्दारों देशद्रोहियों द्वारा। ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत है। आप जब भी यहां आएंगे, यहां का आतिथ्य देखिए, यहां की मान मर्यादाएं देखिए, आन मान शान देखिए, और जुबान जो भी एक बार किसी को दे दी उसकी आम देखिए। जुबान पर टिके रहने वाले लोग, इनकी हां का मतलब केवल हां और इनकी ना का मतलब केवल ना। इनके न्याय का अर्थ सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार होता है। ये अपनी नीति नहीं बदलते, अटल रहते हैं, अचल रहते हैं, अपने धर्म नहीं त्यागते। सत्य भाषण क्षत्रिय का धर्म है, ये हम अभी इसी ग्रंथ में श्लोक आएंगे, क्षत्रिय के गुण बताए जाएंगे। क्षत्रिय का स्वयं श्री कृष्ण ने भी जो कहा है श्लोक इसी महाभारत ग्रंथ में। तो क्षत्रिय का लक्षण, प्रथम लक्षण, सर्वोच्च लक्षण सत्य भाषण, ये श्लोक आएगा इसमें। यहां के लोग सत्यवासी, धर्म का पालन करने वाले, नीति का पालन करने वाले, न्याय पर चलने वाले, और जो भी इन सब के विरोधी हैं वो इन सब के दुश्मन हैं। वही इनको बागी कहते हैं जो भ्रष्ट हैं, चाहे वो पुलिस में हो, अदालत में हो या कहीं भी बैठे हो, उनके लिए ये बागी है। सुप्रीम कोर्ट के जज अनंग कुमार पटनायक जी यहां आए तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिवेंज यानी कि बदले की भावना का जो सिद्धांत है उसके ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की है। तो उन्होंने यहाँ बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था, उसमें एक भाषण दिया, बहुत बहुत ही गंभीर सारगर्भित, तो इतना गहरा रिसर्च पूर्ण भाषण था और संभवतः उन्होंने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की है। तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि जब पुलिस सही काम कर रही है, कानून सही काम कर रहा है, अदालतें सही काम कर रही हैं, तो फिर यहां लोग क्यों बदला लेते हैं, लोग यहां क्यों बागी बनते हैं। उन्होंने मंच से यह प्रश्न पूछा था। माननीय जस्टिस अनंग कुमार पटनायक जी की रिसर्च तो बहुत गहरी है, वे बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में है। इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न हैं, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा पूछा गया प्रश्न था जो उन्होंने मंच से सार्वजनिक तौर पर पूछा था। लेकिन होता यही है, अगर सब सही काम कर रहे हैं तो लोग यहां बागी क्यों बनते हैं, विद्रोह क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यही कहा था पटनायक जी। जस्टिस पटनायक के शब्दों में कितनी प्रखरता थी। अभी चंद रोज पहले
यहाँ के बहुत विद्वान, बहुत ही पुराने अनुभवी, बहुत बुजुर्ग अभिभाषक हैं, अधिवक्ता हैं, अब एडवोकेट नहीं, उन्हें तो पूर्णतः यहाँ का जो भी है या दूसरे जो विद्वान न्यायाधीश गण जस्टिस भी, उन्हें न्यायाधीश ही मानते हैं, वो हैं तो एडवोकेट, लेकिन उन्होंने कई बार न्यायाधीश का पद हाई कोर्ट के जस्टिस का और उसका ठुकरा दिया, वो नहीं बने, उन्होंने वकालत ही पसंद की, और वो विद्याराम गुप्ता जी, तो विद्याराम गुप्ता जी के पास में अभी कुछ बैठने का मुझे अवसर मिला था, तो उनसे चर्चा हुई, तो इस संबंध में बहुत गहरी चर्चाएं हुई, तो उन्होंने बहुत बहुत ही गंभीर बातें कही, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, साफ साफ कह दिया कि जो भी है गड़बड़ सब की सब पुलिस में है, कानून में है और अदालतों में है, यहां पर एक भी आदमी गलत नहीं है, जितने भी बागी हुए हैं उनमें से एक भी गलत नहीं है, सब सही थे, सब सही न्याय पर टिके थे, सब कानून का पालन कर रहे थे, सभी के सभी कानून का पालन कर रहे थे, सबके सब न्याय पर थे, सब धर्म नीति का पालन कर रहे थे, एक भी गलत नहीं था। उन्होंने फिर वो कहानी वहां से शुरू की कि सन 1972 में 642 बागियों ने आत्मसमर्पण किया चंबल में। इस पर हमने भी पहले अपने कुछ फेसबुक वगैरह पर वो जो डाली थी तो उसमें 600 ही लिखे थे, लेकिन जो असल आंकड़ा है वो 642 है। जब विद्याराम गुप्ता एडवोकेट बाबूजी से जब मेरी चर्चा हुई, चूंकि बागियों के केस उन्हीं ने लड़े, तो पूरा फिर विस्तार खुलता गया और बहुत सी बातें सामने आती गईं, तो उन्होंने बताया कि 642 बागियों ने समर्पण किए थे और उनकी वजह भी बताई बहुत सी, जो इस भारत फिल्म में भी हम आगे दिखाएंगे, और हमने उनसे इंटरव्यू का टाइम भी ले लिया है, तो किसी अवसर पर उनका साक्षात्कार लेने का हमें जरा सा भी अवसर मिलेगा तो उनका पूरा साक्षात्कार हम, बहुत बहुत ही रोचक, और एक थप्पड़ है भ्रष्टों के मुख पर, उन पुलिस कानून और अदालतों के मुख पर जो उन्होंने बातें कही, वो वाकई चौंकाने वाली है। तो उस चंबल में ये सफर चल रहा है, इसे आप देख रहे हैं, चलिए आइए बातें करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं।